सभी कर्मी यहाँ पे पहुँचे। जिस प्रकार से आज सुबह मेरे पास कॉल आया है, इनके सुखदेव जी के भाई हैं ये, राजू जी ने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की भाई कहीं से 4 दिन से गुम है, 3 दिन से गुम है और हमें मिले नहीं हैं। और आज सुबह जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो ये बताया कि उनकी डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी पे बहुत बुरी तरह से निशान पड़े हुए हैं। इस प्रकार से लग रहा है जैसे घसीटा गया हो उसको या जलाया गया हो, ये जाँच का विषय है। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि एक सेना से रिटायर्ड थे, सेना मेडल थे ये, और अपने घर जाते हुए रास्ते में ये गुम हो गए और आज इनका परिवार पूरा सड़कों पे रोड पे है। अभी तक मेरे ख्याल से FIR नहीं हुई है और SHO साहब यहाँ मौके पे आए हुए हैं, तहसीलदार भी आए हुए हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। पर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहेगी कि जिस प्रकार से रजौरी के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, पूरे समाज के लिए दुर्भाग्य का विषय है। ये यहाँ की बात नहीं है, आज पलमा में हुआ, सरानू में हुआ, कल कहीं दूसरी जगह होगा, इसी तरह परिवार तड़पता रहेगा। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पुलिस का एक डर ऐसे दंगाइयों पे, गुंडे लोगों पे, ऐसे जलील लोगों पे पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं SSP रजौरी से अपील करूंगा, मैं SSP रजौरी से अपील करूंगा कि इस मामले की गंभीरता से जांच करें ताकि जो भी इस साजिश के पीछे जिसके भी हाथ हैं वो लोग सामने आए, ताकि समाज के अंदर ऐसे गुनाह इसके बाद ना हो। ढूंढते हुए ये हमारे बड़े भाई हैं जी, हमें 3-4 दिन हो गए ढूंढते हुए, हमें नहीं मिला। जिधर से हम ढूंढते रहे और हमने फिर कल क्या किया कि 2:30 बजे तक हमने इंतज़ार किया, आगे पीछे फ़ोन किया, हो सकता है कोई आगे रिश्तेदार के घर गया हो कहीं, कोई नहीं। फिर हम गए थाने में, हमने उधर अप्लीकेशन दी, बोला हमारा आदमी 3 दिन से गायब है। जिधर से हम ढूंढते रहे सुबह, हम फिर निकले 4-5 बजे, फिर ढूंढते रहे, 5-10 आदमी ढूंढते रहे। तो उसके बाद 2 आदमी नीचे से गए, उन्होंने ऊपर से फ़ोन किया, बोला नीचे इधर पड़ा हुआ है डेड बॉडी पर। जब हम उधर पहुँचे मौके पर, बिल्कुल इसने उसे ऐसे की ऐसे थोड़ा सा सांस लिया इन्होंने, हमने उसी वक्त उठाया इधर पलमा डॉक्टर के पास ले, तो रास्ते में भी डेड हो गए थे। लेकिन पता नहीं किसी ने शराब के वजह से मारा, और एक आदमी है इधर हमारे साथ में रहता है इधर, आज को 3-4 दिन हो गए, उन्होंने इनसे मोबाइल छीना था, मोबाइल इनके पास है और उन्होंने झगड़ा भी किया था इधर। ये हाजी सगीर है इधर साथ में ही रहता है ऊपर, और कोई पता नहीं चल रहा किसने मारा किसने आया। लेकिन किसी ने रात को 2-3 दिन हो गए किसी ने अंदर बंद के रखा हुआ है, लेकिन इसके रस्से और पाँव में इधर रस्से बांधे हुए इधर। आप क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं अगर DC या कोई SP इधर मौके रहा है, हमारी इंक्वायरी पूरी की जाए और जिन आदमी ने ऐसे मोबाइल छीना उन आदमी को साथ में अरेस्ट करें, उनको साथ में लेके चले और साथ में डेड बॉडी भी हम लेके चलेंगे।